राहुल गांधी जी भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। पहले जोड़ो यात्रा किया था, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा बोल रहे हैं कि जो मोदी जी का 10 साल अन्याय वाला 10 साल था, जो महिलाओं पे अन्याय हुए हैं, दलितों पे, आदिवासियों पे अन्याय हुए, उसको 2024 में ये यात्रा के बाद 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि हम उनके बारे में बात करें। ना ही उन्होंने कंट्री को सर्व किया है। उनके जो एक परिवारवाद चलता आ रहा था, दशकों से उनके परिवार ने ही राज किया, वो चीज वो लोग प्रूव नहीं कर पाए हैं। वो एक देश प्रेम वो प्रूव नहीं कर पाए। जो आरोप आप महिला हैं, ये जो महिलाओं पे जो अत्याचार का आरोप लगा रहे हैं, महिलाओं पे अन्याय हुआ है 10 सालों में मोदी सरकार में, ये जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी, ये ट्रिपल तलाक जो मोदी जी ने हटवाया है, क्या वो अन्याय है? क्या वो महिलाओं पे अन्याय हो रहा है? ऐसा नहीं है। देखिए, अन्याय महिलाओं पे अन्याय कहीं ना कहीं थोड़े स्तर पे होता है, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि अभी जो महिलाओं के खिलाफ अन्याय है वो काफी कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनके राज्य में नहीं था, अभी नहीं है, लेकिन अगर एक जनरल बात की जाए तो कम हुआ है। और दिस हैज टू बी विद मोरालिटी ऑल्सो। लोगों को अपना मॉरल वैल्यूज ऊपर करना होगा, समाज में एक चेंज आएगा तभी जाके ये सब चीजें कम होंगी। हम सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते कि आप अन्याय को, हाँ ठीक है, कानून व्यवस्था आप मजबूत करिए, हर जगह पुलिस करिए, लेकिन हमारे अंदर की एक जो मोरालिटी है, जो जेंट्स की मोरालिटी है, ये एक समाज की मोरालिटी है, वो अगर बढ़ी हमें तो ये सब चीजें काफी कम हो जाएंगी। और लग रहा है इस यात्रा के बाद, पहले भारत जोड़ो यात्रा किया था दक्षिण से लेके उत्तर तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अब भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं आपके मणिपुर से लेके मुंबई तक, ईस्ट टू वेस्ट 6,000 किलोमीटर से भी ज्यादा चलेंगे राहुल गांधी जी। लग रहा है 2024 में एक माइलस्टोन होगा, एक बिग इम्पैक्ट पड़ेगा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। जी नहीं, मेरे हिसाब से तो उनका ये इतना जो ये जितने किलोमीटर चलने वाले वो व्यर्थ जाने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने सबको क्लीन बोल्ड कर दिया है। योगी जी के राज में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, आप देखिए, अयोध्या में एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, विद इन 3 ईयर्स वो पूरा कायापलट हो गया है वो अयोध्या का। तो ये बहुत बड़ी बात है। और लोग बोल रहे हैं इतने जल्दी जल्दी में मंदिर बनाई है, अरे 500 साल हमने वो चीज़ का वेट किया है, और अगर 3 साल में लग भिड़ के अगर वो चीज हो रही है तो हम उस चीज को क्यों ना 500 साल इंतजार किया, 2-4 महीने और इंतजार कर लेते हैं, ये 24 के चुनाव से पहले क्यों उद्घाटन करना है? 24 के रामनवमी पे कर देते, जब दशहरा होता है रामनवमी पे कर देते। देखिए, वो सब बोलने की बात है, 500 साल का इंतजार बहुत होता है, बहुत लोग का त्याग, समर्पण, बलिदान सब लगा है, और अगर वो अपने कार्यकाल के दौरान अगर ये चीज वो करना चाहते हैं तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। ये कोई चुनावी ये नहीं है, मोदी जी का विजन इज वेरी क्लियर, वो एकदम डिटरमाइंड है, ही थिंक्स अबाउट द कंट्री। आप उनके एक्शंस देख लीजिए, सारे जनहित में रहते हैं, सारे जनता के लिए रहते हैं। द वे ही कनेक्ट्स विद पीपल इज ट्रेमेंडस, इट्स कमेंडेबल। उनके जैसा आज तक ना नेता था ना कोई होएगा। और ये जो तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं खासतौर से कांग्रेस पार्टी की, एक तानाशाह बैठा हुआ है देश के अंदर, वो अपने हिसाब से सब कुछ कर रहा है और 10 साल से वही सत्ता चला रहा है, और 2024 में उस तानाशाह को उखाड़ फेंकना है। अभी मुझे एक बात बताइए, अगर वो तानाशाही करते, अगर वो डिप्लोमेट होते, अगर वो देश सही से नहीं चला रहे थे, लोग उनको दूसरी बार क्यों चुन के लाते? सब तो लोगों के, जनता के हाथ में रहता है ना। अगर कोई सरकार बार बार चुन के आ रही है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को तरक्की दिख रही है वो चीज़ों में। अच्छा। तो ये विपक्ष का ये बोलना कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तानाशाही हो रही है, दिस इज ऑल बिकॉज दे वॉन्ट टू से समथिंग, उनको बोलना है इसीलिए वो बोल रहे हैं। मोदी जी इज अ वन मैन आर्मी, वो वन मैन आर्मी है, अभी उनके आगे कोई नहीं है। करेंटली उनके बराबर का मुझे कोई नेता लगता नहीं है। फ्यूचर में अगर आना होगा तो आए, लेकिन करेंटली मुझे नहीं लगता ये डेकेड में उनके जैसा कोई है। अगर उनके बाद कोई है वो योगी जी हैं, ठीक है। तो एक चीज बोली जाती है, अगर आप सही होते हो तो आप अकेले रहते हो, पूरी दुनिया आपके विरुद्ध हो जाती है। तो वो चीज मोदी जी के साथ हो रहा है, क्योंकि वो पथ के रास्ते पे चल रहे हैं, सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप सच्चाई के मार्ग पे चलेंगे तो आप अकेले ही रह जाएंगे। तो ये जो झुंड है इसको इग्नोर करने की जरूरत है, और मोदी जी को आगे बढ़ने की जरूरत है। एंड वी सपोर्ट है, जो 500 सालों में नहीं हुआ वो अभी हो रहा है। उनको बिचौलिया बोलने का कोई हक नहीं है, जो काम मोदी जी ने करके दिखाया है। ये मोदी जी एक ऐसे नेता है, योगी जी एक ऐसे नेता है, उन्होंने सनातन धर्म का समर्थन किया है, वो चीज को आगे लेके आए, हमारे संस्कृति को आगे लेके आए हैं, तो हम उनका क्यों ना सपोर्ट करें, ये बताइए। तो ये सब जो ढकोसलेबाजी, ये लोग जो बोल रहे हैं कि हमें न्योता नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला,
दिस इज़ प्योर नॉनसेंस, दीज पीपल आर जेलस, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है और फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि देश की जनता ने उन्हें एकदम कट ऑफ कर दिया है। 2024 में लिख के लीजिए मोदी जी के अलावा, योगी जी के अलावा और कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि उन्होंने हमें 500 साल से जो हम हिंदू, हम जो सनातनी, जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे वो उन्होंने हमें दिया है, तो हमें इस चीज़ के लिए बहुत गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। आपको लग रहा है विपक्ष कहीं ना कहीं गलती कर रहा है, जो कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है ये मंदिर के न्योता को ठुकरा के कहीं ना कहीं गलती कर रहा है? बिल्कुल जी, उनको जो 10-12 वोट मिलते थे अभी वो भी नहीं मिलेंगे। एटलीस्ट वो वहाँ पे जाते, वो सम्मिलित होते हुए चीज़ों में, ठीक है उनके राज्य में ये चीज़ नहीं हुई, बट एटलीस्ट वो अपनी उपस्थिति, अगर अपना प्रेजेंस जो है वहाँ पे मार्क करते तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती, लोग भी अक्नॉलेज करते कि वो आए हैं यहाँ पे, तो लोगों का थोड़ा सम्मान उनको मिलता। बट अभी जो बचा कुचा सम्मान है वो भी नहीं है, जो 10-12 वोट मिलते थे वो भी उनको नहीं मिलेंगे। अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी जिससे चुनाव में आपको ही पता होगा कि क्या हसर हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से उनको नया बोल तो रहे हैं, छवि सुधर गई है बहुत, एक नए इमेज में आए हैं, नए पॉलिटिक्स में कोई इमेज नहीं है, और जो न्याय यात्रा निकलेगी उसका भी असर यही होगा। उनका सिर्फ यही है कि हम किसी तरह मुद्दा निकाल के चलता रहूं, घूमता रहूं, उनको खाने को मिलता रहे, घूमने को मिलता रहे, ठहरने को मिलता रहे, उनका टाइम पास वाली योजना हो गई है, ओनली टाइम पास। भारत जोड़ो यात्रा भी टाइम पास हुआ था और न्याय यात्रा निकाल रहे वो भी टाइम पास ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। बिहार के बक्सर से भी होके जाएंगे राहुल गांधी जी, जो उनका मैप आया है, न्याय यात्रा बिहार के बक्सर से भी होके गए, स्वागत करिएगा, बक्सर वाले स्वागत करेंगे। सुनिए, स्वागत देखिए, वो नेता है, विपक्ष हो चाहे किसी के, वो नेता नेता ही होता है। जहाँ जहाँ से वो यात्रा निकाले थे अभी पिछली बार, वहाँ वहाँ उनकी पराजित हुई है, लोग समझ चुके हैं कि हम कहाँ पर हैं और किस तरीके से चल रहे हैं और कहाँ हमें जाना चाहिए, ये सब पता है। ये बक्सर से निकालें, कहीं से भी निकालें, कोई स्टेट से निकालें, इनका कुछ असर होने वाला नहीं है। जब से आज़ाद हुआ है देश और 2014 तक लगभग 60 साल इन्हीं की सरकार रही है, आप किसी भी स्टेट में, किसी भी सरकार में, किसी भी दशक में चले जाइए, रेप, चोरी, जो ये आज कर रहे हैं ये बहुत चलते आ रहा है, ये कहीं रुका नहीं है, कम हो सकता है लेकिन ये कह रहे हैं ना कि इन्हीं के 10 सालों में हुआ है, 10 साल से पहले बहुत हुआ है, लोगों के पास आंकड़ा भी है। 10 सालों के अन्याय के खिलाफ ये न्याय यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी जी, कल से यात्रा शुरू करेंगे और ये मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे 2024 में? नहीं, उखाड़ने का तो ये कि ये तो सोच भी नहीं सकता वो कि उखाड़ देगी, उखड़ेगा तो कोई नहीं, बल्कि राहुल की यात्रा से मोदी को फायदा ही होगा। हम तो कहते हैं यात्रा करें, कैसे फायदा होगा? फायदा होगा, सबको पता कि नौटंकी कर रहा है राहुल गांधी, नौटंकी और क्या, कुछ भी नहीं होगा, फायदा तो कुछ नहीं है, फायदा कुछ नहीं होगा। नहीं, बोल रहे हैं कि मैं जो 10 सालों में अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ बता तो नहीं, अन्याय क्या हुआ? अन्याय ये हुआ है कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। तो 10 सालों में सैलरी कितनी बढ़ी है वो नहीं पता, सैलरी भी तो बढ़ी है, महंगाई तो बढ़ी, महंगाई बढ़ी। ये नकार क्यों रहे हैं, माने जाने से मना क्यों कर रहे हैं? कौन? ये कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं कि हम नहीं, अपोजिशन है जो रूलिंग पार्टी होती है उसका तो अपोज कर रही है उनको। नहीं नहीं, बोल रहे कि मैं राम मंदिर के उसमें थे, जो नेता हो रहा है, नेता मिला उनको, उसको ठुकरा दिया उन लोगों ने। हाँ तो उनका, उनकी मर्जी, वो तो वोट लेना चाहते हैं दूसरों के। अच्छा, वोट लेने चाहते हैं। ये जो दावे किए जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद, अब ये भारत न्याय यात्रा जो हो रहा है, भारत टूटेगा कब है? जो जोड़ेगा, भारत टूटा ही नहीं, नफरत भर दिया लोगों के मन के अंदर, मोहब्बत की दुकान खोलूंगा मैं। कहेगी मोहब्बत, मोहब्बत मोहब्बत कुछ नहीं, मोहब्बत है ही सबकी, दुकान क्या खोल दी है, तेरी तो दुकान बंद है, इनकी दुकान बंद है भाई साहब, कुछ नहीं, ऐसी नौटंकी है, कुछ नहीं है, नौटंकी है। हाँ नौटंकी है, पूरी मत बोलिए, इतने बड़े पार्टी के नीटे हैं, आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री हो सकते हैं? नहीं हो सकते, कभी नहीं तो होंगे भाई साहब, कभी नहीं होगा, प्रधानमंत्री कभी होगा ही नहीं, राहुल गांधी में कैपेबिलिटी नहीं देखते? नहीं है, नहीं है, जो मत में आता वो बोलते हैं, बात करने की तभी नहीं है उसमें, ऐसे जोर जोर से बोलना कि ये चोर है, ये चोर है, ये कोई तभी होती है क्या? ये इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, सब कुछ है ना, तो ऐसे कोई, ये कोई तभी थोड़ा होती है बात करने की, आदमी थोड़ा बात करने का वो तो हो, सलीका सलीका तो होता है, एक है ही नहीं। क्या लग रहा है कहाँ कमी रह रही है, ये 10 सालों से प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी जी में और कांग्रेस के पॉलिटिक्स में, कहाँ कमी रह रही है? कमी ये रह रही है कि 70 साल में, और अब मैं देखो 10 साल में जो प्रगति हुई है इंडिया की, है ना, वो 70 साल में कभी नहीं हुई वैसी। वो तो बोल रहे देश को डुबा दिया, जितना संपत्ति कांग्रेस ने बनाया था वो सब बेच दिया। 2013 की बात है, तब मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमें एक 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 नॉर्मल जेट खरीदने की हमारी औकात नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। इन्होंने आते ही राफेल का ऑर्डर दे दिया और एडवांस में पेमेंट करी है। फिर पहले आर्मी वाले कितने खुश हैं, और आप जाके देखो क्या कहते हैं इसका नाम, अरुणाचल वगैरह, भाई साहब सड़कें टूटी हुई थी सैकड़ों किलोमीटर की, आजकल 6-6, 7-7 लेन की सड़कें बना रखी है वहाँ पर, पक्की सड़कें, आर्मी फटाफट पहुँचती है चाइना के बॉर्डर पे। पहले क्या था, सड़कें 70 साल में टूटी हुई सड़कें तो बनाई नहीं गई। आप देख के आए हैं अरुणाचल प्रदेश? हाँ देख के आए हैं। क्या करते हैं आप?
मैं तो रिटायर हो गया, नौकरी में था मैं। किस चीज़ की नौकरी? बैंक में था। बैंक में अरुणाचल प्रदेश? नहीं नहीं, मैं दिल्ली में, दिल्ली का ही पैदाइश है मेरी। आप देख के आए थे अरुणाचल प्रदेश? हाँ हाँ, घूम के आए। और क्या, एक और आरोप लगाया जाता है कि मोदी जी जो हैं वो तानाशाही कर रहे हैं, हिटलर शाही कर रहे हैं देश के अंदर। ये अन्याय इतना बढ़ गया देश के अंदर कि एक आम इंसान अच्छे से जी नहीं सकता, न्याय के साथ जी नहीं सकता। यहाँ आपको लग रहा है कि जी नहीं सकते? इतनी खुशहाली है, सब कुछ है, बढ़िया चल रहा है, कैसे नहीं जी सकते? सैलरी क्या थी 15 साल 10 साल पहले, आज क्या सैलरी है? भाई देखो, विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही लगाएगा, इनकी अच्छी बातों में भी लगाएगा, बुरी बातों में भी लगाएगा, चलता है ये तो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।